आमतौर पर वार्षिक परीक्षा को लेकर बच्चे परीक्षा से पहले तनाव में आ जाते हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बात करेंगे। इस दौरान वे छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए परीक्षा को लेकर सुझाव भी देंगे। इसके लिए बिलासपुर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ए श्रीधर शर्मा व मनीष साहिस का चयन हुआ है। हमें काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय से पता चला कि हमारा चयन हुआ, तो ये चीज़ हमारे लिए अचानक से मालूम पड़ी। हमें मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उत्साहित तो बहुत ज़्यादा है और खुशी भी बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री के साथ सुन लीजिएगा क्या पूछेंगे कि ये चयन हमारा हुआ, क्योंकि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समझ आने कि हाँ सच अब हो चुका है। तो उसके बाद हमने चयन प्रक्रिया के लिए जो भी हुआ, उसके बाद सवालों का तैयार करना सब शुरू किया, अभी भी विश्वास नहीं होता कि चयन हुआ है। वार्षिक परीक्षा जितना परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं अधिक उस परीक्षा में माता पिता सम्मिलित होते हैं, और ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का बोझ और भी अधिक बढ़ जाता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा से पहले विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र भी देते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों की वार्षिक परीक्षा से पहले बेहतर परीक्षा परिणाम और मानसिक तनाव से बचने का मंत्र बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देंगे। बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस हमारे बिलासपुर इस मैंने हमारे स्कूल ही नहीं पूरे बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और गर्व का बात है कि हमारे दो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ए श्रीधर शर्मा और मनीष साहिस, दोनों क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। दोनों का प्रधानमंत्री HRD डिपार्टमेंट से फोन आया था कि दोनों को प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल करने के लिए चयन किया गया है। तो दोनों बच्चे उत्साहित हैं, शिक्षक उत्साहित हैं, पेरेंट्स उत्साहित हैं, सब तैयारी में लग गए हैं। बच्चे भी तैयारी में लग गए हम क्या सवाल पूछेंगे, कहेंगे क्या तो वर्चुअल है ना, तो इनका वर्चुअल सवाल वहाँ जाएगा, फिर प्रधानमंत्री उनका जवाब देंगे। तो ये हमारे मैंने हमारे विद्यालय के गर्व का बात है और एक सपना जैसा जा रहा है कि मैंने हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमारा विद्यालय या हमारे बच्चे प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा में डायरेक्ट उनसे संवाद कर सकते कि इतने सारे स्कूल हजारों हजारों स्कूल हैं, लाखों बच्चे हैं, उसके बीच में से 25-30 बच्चों का चयन होना और मेरे बच्चों का चयन होना मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि है स्कूल के लिए।